अल्ट्रा हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई। इस हफ्ते रिलीज हुई है हीरोपंती, जिसका बेसब्री से इंतजार था। जरा देखते हैं कि अगर आप ये फिल्म देखें तो क्यों देखें और नहीं देखें तो क्यों नहीं। फिल्म हीरोपंती में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। रोमांस है, मसाला है, एक्शन है और तो और दो नए बच्चे आए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक कीर्ति सनोन और दूसरे टाइगर श्रॉफ। कीर्ति और टाइगर की केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी लग रही है। रोमांस बड़ा हल्के हल्के आगे बढ़ता है और आपके दिल में घर कर जाता है। टाइगर श्रॉफ की जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, जैसे कि भाई बॉडी अच्छी बनाई है, एक्शन अच्छा कर रहा है और लड़के के चेहरे पे जो इनोसेंस है उसको बरकरार रखा है पूरी फिल्म के अंदर। हल्की फुल्की कॉमेडी है जो आपको हंसाती है, पर कुल मिलाकर टाइगर श्रॉफ का डेब्यू बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में टाइगर को और भी फिल्में मिलेंगी और इनके बहुत सारे फैंस बन जाएंगे। कीर्ति सनोन भी बहुत ही प्यारी लगी है और अच्छा काम किया है। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, ये फिल्म एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है। इसमें इमोशंस, रोमांस और एक्शन को बैलेंस करने की कोशिश की है। पापा जैकी श्रॉफ बहुत ही खुश होंगे कि वो एक्शन जो वो खुद नहीं कर सकते थे उनका लड़का धमाधम कर रहा है। अक्षय कुमार के बाद अगर किसी ने कन्विंसिंगली फ्लाइंग किक मारी है तो वो टाइगर श्रॉफ है। पहली बार के हिसाब से टाइगर और कीर्ति दोनों ने ही अच्छा काम किया है। फिल्म की कहानी जहां कहीं लड़खड़ाती है वहां पर इन दोनों का रोमांस आपको बांधने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म को एक मौका तो दीजिए। डेब्यूटेंट्स हैं यार, शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करने वालों का साथ निभाना चाहिए। बॉलीवुड के फिल्म्स के एंटरटेनिंग रिव्यूज के लिए जरूर आप सब्सक्राइब करें अल्ट्रा हिंदी।